जैसा कि पाकिस्तान में बारिशों का सीज़न चल रहा है तो मुझे पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया रोही चुलिस्तान जो इंडिया बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है घूमने का इत्तेफाक हुआ। फाइनली 300 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मुझे एक बस्ती नज़र आई। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ के लोगों से मिला और पूरा दिन उनके साथ स्पेंड किया। इन लोगों का रहन सहन और पूरे दिन की क्या रूटीन थी, आइए इस वीडियो में देखते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी यहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? सारी ज़िंदगी सारी पैदाश थोड़ी है। मेरे अबू दादा दादी सारी थोड़े ओ थी जमे पल्ले वाला होने अंदर को असर असर रह गए। अच्छा, तो क्या काम काज होता है? आप सारे दिन में क्या कुछ यहाँ पे करते हैं सहरा में? सवेरे तो उर्दू दम दूध लेना, जानवर दिख रहे नो। यहाँ पे कोई पानी वाला नल या कोई हैंड पंप वगैरह या मोटर सिस्टम नहीं है? नहीं, तो नहीं, पानी का फिर आप कैसे ये बंदोबस्त कर लेते हैं? तो बारिश भी थी। अच्छा अच्छा, हाँ बारिश का पानी आता है। हाँ बारिश का पानी हमरे वाला होने वजह को अल्लाह दी तरफ को जीत हो गया टोबे च पानी भरा दिल्ली में। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, जब ये टोबे जात खुश्क हो जाते हैं, बारिश काफी देर तक नहीं होती, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? रोई को छोड़ देना असला शाह बड़े पिन घर झुपड़ियाँ असा वाला छोड़ते ना, क्योंकि पानी बगैर इंसान जानवर मरा पे वे अस वाला चले वे तू कर भला बादशाह थी भला वाल लानो। ठीक, ये जी इनके घर से थोड़े से फासले पर जो वाटर पाउंड है वहाँ से ये मिट्टी के बर्तन में पानी लेने जा रहे हैं। इसी पानी से इन्होंने कुकिंग करनी है और पीने के लिए इस्तेमाल करना है। ये है जी वाटर पाउंड, जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और इसमें बारिश का पानी स्टोर है। ये लोग यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। सहराई खातून घड़ा लेके आ चुकी हैं। ये देखें जी, घड़ा पानी का जो है ये फुल हो चुका है। शहर से गाड़ी आती है, ये इनसे दूध लेके जाती है क्योंकि इनके पास दूध काफ़ी तादाद में होता है। बताएं कि आप दूध इनको क्या रेट पे देते हैं? 100 रुपये किलो दे लो भाई। आपका डेली का कितना दूध इकट्ठा हो जाता है? डेली का दूध हो जाता है 1200-1300 लीटर। 1200-1300 लीटर। यजमान से आते हैं आप? नहीं, मिठड़े से आते हैं भैया। शुक्रिया। ये देखो जी, घड़े के ऊपर ने कपड़ा लगाया हुआ है इसलिए कि ये पानी ठंडा रहता है। पहले तो सारा रोटी बड़े नून पराठे। अच्छा, वाला लस्सी नाल खा दूं। सही है। ते पारे दी ना रोटी हुंदी है। सही है। तंदूर तले ने रानू वाला सब पका लाओ खाने रानू। दोस्तों को फैमिली वास्ते हल्का फुल्का नाश्ता होंदे सबे ले लाइए। सही सही है। मैंने कहा ये थोड़ा सा आटा गुना, माशाल्लाह फैमिली तो बड़ी है तो इसलिए मैंने कहा नहीं ये थोड़ा ज्यादा नाश्ता से हल्का फुल्का। सही है। ये जी फाइनली जानवर जो हैं टोबे पे पानी पीने के लिए आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पानी का भरा हुआ यह तालाब, सारा डीप डेजर्ट है, तो पानी पीने के बाद ये जानवर सैराज में निकल जाएंगे। ये देखें लाची का छोटा सा बच्चा है जो बड़े मज़े से अपनी माँ के पास खड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन में इतने सारे कच्ची मिट्टी के घर बने हुए हैं। असल में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आबादी का निशान नहीं है, सिर्फ 2-3 घरों में आबादी है। इसकी मेन रीज़न जो मैंने पूछी है वो ये है कि यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही थी काफ़ी अर्सा से, तो यहाँ के लोग जो थे वो आबादी की तरफ मूव कर गए थे, अपने जानवर वगैरह लेके चले गए थे। आप देख सकते हैं कि ये इनके घर वीरान पड़े हुए हैं। तो अभी 2-3-4 दिनों से पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू है। अभी जो है आबादी से लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, एसएस आ रहे हैं और अपने जानवर वगैरह भी लेके इधर आ रहे हैं। तो कुछ ही दिनों तक इन घरों में दोबारा से वही रौनकें आबाद होंगी, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पे जानवर भी आ जाएंगे। सामने आप डेजर्ट में देख सकते हैं, आपको वो पानी नज़र आ रहा होगा, ये बारिश का पानी है। मुसलसल 3-4 दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही है और घरों की हालत जो है ये खस्ता हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोग मूव कर गए थे, तो इन घरों की केयर करने वाला कोई नहीं था। तो जैसे ये लोग वापस आएंगे फिर कच्ची मिट्टी से इनको लेप करके अपने घरों की डेकोरेशन जो है वो मेनटेन करेंगे। दूर दूर तक आप देख सकते हैं सारे घर ही हैं कच्ची मिट्टी के, और वहाँ पे जो है इनका वाटर पॉन्ड है। फ्रेंड्स आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये गाय के गले में एक घंटी सी होती है और उसकी आवाज़ होती है। ये घंटी बांधने का मकसद ये होता है कि सहरा में जानवर चल रहे हों तो इनका जो मालिक होता है वो दूर से आवाज़ सुन के उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जानवर यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि सारा सहरा होता है। यहाँ पे जी इन्होंने सोलर प्लेट रखी हुई है और इसी सोलर प्लेट की रोशनी की मदद से ये लोग पंखा वगैरह चलाते हैं और मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं। और 12 वोल्ट की बैटरी भी रखी हुई है, तो दिन के वक्त वो चार्ज हो जाती है और रात को बल्ब वगैरह भी जलाते हैं। ये हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है, जरा सा को वाटर सप्लाई लवा दिए, अस पानी पींदे से, बालों को पीलेंदे से, माल को पीलेंदे से। अल्लाह ताला दे देंदे टोबे का पानी, वो भी अस शुक्र अलहमदुल्ला करेंदे से, चलो सबको अल्लाह पानी दे देते। फ्रेंड्स ये आप दूर दूर तक देख सकते हैं सारा बारिश का पानी है। सहरा में काफ़ी बारिशें हो रही हैं पिछले 1 हफ्ता से, तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक के अंदर सारा पानी है बारिश का, और यहाँ से गाड़ियों का जाना भी बड़ा मुश्किल है आजकल।